कोई भी त्यौहार हो, लेकिन घर में तो पूरियां बनती ही हैं। इस तरह से अगर आपके घर में भी पूरी बन रही है और बच जा रही है तो उसे आप फेंके ना। एक नया नाश्ता इस तरह से बना सकते हैं। यह नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है और सिर्फ 2 मिनट में बन सकता है। इसे आप झटपट बना सकते हैं। तो इसके लिए आप लें 2 केला, उसे एकदम अच्छे से छील लें। केला पका होना चाहिए, फिर उसका एकदम बारीक पेस्ट बना लें। इस तरह से जब पेस्ट एकदम बारीक हो जाए तो उसमें डालें चीनी। इस तरह से चीनी को आप डालें साबुत या पीस कर भी डाल सकते हैं। फिर उसमें आप मिल्क पाउडर चाहें तो उसे भी 1 चम्मच मिक्स कर सकते हैं। फिर कद्दूकस किया हुआ डालें उसमें, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप नारियल, काजू, बादाम या किशमिश सारा ले सकते हैं। फिर इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लें। जब मिक्स हो जाए तो आप पूरी को लें, एक पूरी पर इस तरह से फैला दें। जब अच्छे से 1 या 2 चम्मच इस तरह से फैलाने के बाद उस पर दूसरी पूरी रख दें। केला तो वैसे भी चिपकने वाला होता है, इस तरह से दोनों पूरियां आपस में चिपक जाएंगी। फिर कढ़ाई में लगाएं हल्का सा घी या तेल। वो पूरी तो वैसे पहले से भी तली हुई है, इस तरह से धीमी आंच में इसे हल्का सा पकाएं, उलट पलट कर पकाएं। फिर उसके बाद आप दूसरी पूरी को भी इस तरह से, सिर्फ एक पूरी को भी रखें और इस तरह से जैसे हम गुजिया को मोड़ते हैं, मोड़ करके भी तल सकते हैं। इस तरह से आपका नाश्ता रेडी है।